देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले फिगर बनाओ ठीक है, उसके बाद तुम्हें ये समझो ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, तो लिखते जाना ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन कंडीशन में लिखना है तुम्हें। डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है 5th वाला ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है। अब और एक चीज गिवन है ई कॉमा एफ क्या है इसके मिड पॉइंट्स, क्लियर है, शो करना है तुम्हें, शो ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट राइट, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल मीडिया, या फिर फिगर में दो बार एफ पर आ रही है सर, नहीं हाँ गड़बड़ हो गई हो, ये पी है सॉरी तो पी कर लो ठीक है, ऐसे करोगे भी ऐसी है सबसे गलती होती है मेरी, मैथ तो गलतियों का नाम है यार, जब तक गलती नहीं हो ऐसा मज़ा नहीं आता यार। ए बी सी डी सब पैरेललोग्राम, चलो पहले नोट करो फटाफट, फर्स्ट 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 राइट इज हॉइल इज अप वो बंद ले गई, तुम्हें समझना उसमें से तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि 10th के नोट्स तो मैंने रश्मि को दे दिए, वो इतने अच्छे से लिखती है ना, मैंने कह दिया है सारी कॉपी मुझे चाहिए क्यों आगे के लिए, बढ़िया ना बच्चों को उसके मस्ती पढ़वा दूंगा, नहीं ही मिल जाते हैं। कमलेश की अपन तो अपनी रखेंगे सही से, तूने मग्गा उल्टा क्यों कर दिया, कॉफी कर जाएगी उसमें। चलो ए बी सी डी से पहला ग्राम ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स है, मत करो ई एंड एफ क्या है मिड पॉइंट्स है ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा बताओ, ई और एफ मिड पॉइंट है तो ई और एफ मिड पॉइंट है तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, और एक चीज़ दे रखा है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और इसके बारे में नहीं दिया क्या हमने, ये भी चीज़ तो देनी चाहिए ना, इन एफ और मिड पॉइंट्स, पी के पी के बारे में कुछ नहीं दिया, ए एफ एंड ई सी पैसे के बारे में बी डी, मतलब देखो शो क्या करना है ये पढ़ो जा, इससे क्या समझ आ रहा है कि हमें ए एफ और ई सी बी डी जो डायगनल है, ये बी डी डायगनल है ना, इसको ट्राई सेट करना है, मतलब हमें क्या करना है फाइनली डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू यू पी, बाई सेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल हिस्सों में बाई सेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल हिस्सों में बांटना, और ट्राई सेक्ट का मतलब क्या हुआ, तीन इक्वल हिस्सों में बांटना, तो डायगनल बी डी ये रही, उसको तीन इक्वल हिस्सों में बांटना, मतलब क्यू बी को हमें पी क्यू के बराबर करना है और साथ में डी पी के भी बराबर करना है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं कि ए बी किसके पैरेलल है डी सी के, और डी ए किसके पैरेलल है सी बी के, और ई एंड एफ मिड पॉइंट है, ई बी मिड पॉइंट है और एफ भी मिड पॉइंट है, मतलब ये मिड पॉइंट है इसका और ये भी मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, क्या इतना समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है इतना आ गया, तो अब ज़रा समझो देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बहुत मस्त क्वेश्चन है, सल्यूट टू दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एंगल इसके इक्वल है, बताओ जेड से, हाँ जेड से ही बोल सकता हूँ मैं, या फिर ऐसे मान लो ये ऐसे, क्योंकि पैरेललोग्राम था ए बी सी डी, तो ये अंदर वाला भी क्या हो गया अपना पैरेललोग्राम, अब अपन ये बोल सकते हैं कि पी एफ अपने किसके पैरेलल हो गया क्यू सी के, अब आई क्यू वाला क्वेश्चन है दिमाग लगाना, कंसिडर करो ट्राइंगल डी क्यू सी, दिमाग लगाओ इस फिगर में, तुम्हें कहते हैं ना मेडिटेट करो, तो बस इस फिगर में तुम्हें ये देखना चाहिए डी क्यू सी, डी क्यू सी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं देखना चाहिए, क्या दिख रहा था तुम्हें, डी क्यू सी दिख रहा है उसके अलावा कुछ नहीं, तो डी क्यू सी के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है, एक पी है और एक क्या है एफ, डू यू एग्री, और एफ क्या है अपना मिड पॉइंट है पहले से, मिड पॉइंट है एफ, और पी एफ पैरेलल है किसके क्यू सी के, जस्ट अभी किया, तो अपन बोल सकते हैं कि P मिड पॉइंट है इसका डी क्यू का, बाय कौन सी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, वेरी गुड, तो ये पहला क्वेश्चन डन हो गया कि P मिड पॉइंट बना लिया अपन ने, ऐसे ही ट्राइंगल कंसिडर करो तुम, कंसिडर
ट्राइंगल पी ए बी। अब तो मैं वो कहते हैं ना सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, ऐसे ही तो मैं ये देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। कौन सा ट्राइंगल? पी ए बी। पी ए बी इसमें बताओ मुझे क्या लिखूँ मैं, जो आपका मैं इसका मतलब तो मैं देख ही नहीं रहा है। पी ए बी, पी ए बी हाँ, इसके अंदर क्या लिखूँ? जैसे इसके अंदर लिखा है ना तुम्हें बताना। देखो टाइम वेस्ट करना कर लो। पी ए बी ए इक्वल्स टू ई मिड पॉइंट है। और ए बी वो डी सी से इक्वल हो। सॉरी आकाश कुछ सही कहे आधा गलत कहे, ऐसा कभी हो सकता? अरे तो गलत कहते ही हो, आधा सही आधा गलत। ये मिड पॉइंट है, ये बिल्कुल सही। इसके बाद अपन ये बोल सकते हैं कि ई क्यू पैरेलल किसके है? पी ए के। हाँ तो ई क्यू, ये क्यू भी क्या हो जाएगा फाइनली इसका मिड पॉइंट बाय कौन सी थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम। देखो ना ये ट्राइंगल, देखो ये जरा बन रहा है, इसमें ये मिड पॉइंट था, ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये भी क्या हो गया मिड पॉइंट। अब देखो जरा अपन ने बोल दिया कि पी क्यू किसके बराबर है फाइनली क्यू बी के, यही तो बोला अपने क्यू मिड पॉइंट है। और इस ट्राइंगल में करके अपन ने बोला था कि पी डी पी किसके बराबर है पी क्यू के। देखो दोनों ही किसके बराबर है पी क्यू के, तो आपस में तीनों भी क्या हो गए बराबर, पी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। और ये क्या इसको कर दिया अपन ने, ये क्या है ट्राई सेक्शन। और मुझे पता है ये इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, और मैं ये सजेस्ट करूँगा नाइन्थ में पढ़ना है, नाइन्थ में पढ़ के निकालो, टेंथ बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, ये बस मिड पॉइंट थ्योरम और ये सब कौन आगे नहीं आएंगे तुम्हें, नोट कर लो।